लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और एक विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। शाहजहांपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच की लोकसभा सीटों के साथ ही ददरौल में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस रखी है और लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान पर नजर रखी जा रही है। चौथे चरण के मतदान को लेकर एपीएन संवाददाता आनंद सिंह ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। निर्वाचन अधिकारी नवनीत नवदीप रिणवा जी हमारे साथ हैं। नवदीप जी, अब तक का मतदान प्रतिशत कितना रहा है और जो पहले तीन चरण हुए हैं उससे आपको लग रहा है इस बार बेहतर होने जा रहा है? जी, हमारे उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट पड़ रहे हैं और कुल मिला के शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह चुनाव चल रहा है। हालांकि प्रातः से ही शिकायतें पार्टियों द्वारा, कैंडिडेट्स द्वारा हमारे पास आ रही हैं, अलग अलग माध्यमों से, हमारे फ़ोन के माध्यम से भी है, हेल्पलाइन से भी है, सी विजिल से भी है, ईमेल से भी भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, पॉलिटिकल पार्टी जो ट्वीट कर रहे हैं हम लोग उनको भी संज्ञान में लेते हैं। तत्काल उसके आधार पे जो भी कोई एलिगेशन होता है फील्ड से उसकी रिपोर्ट मंगवाते हैं, जहाँ करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और बेसिकली काफ़ी फ्री, फेयर और पीसफुल है। और जैसे पहले तीन चरणों में चुनाव हुआ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस चरण का चुनाव भी उसी प्रकार अच्छे ढंग से संपन्न होगा और वोट प्रतिशत के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले के तीन चरणों से थोड़ा बेहतर करेगा। कन्नौज समेत कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं, तो उसके निस्तारण के लिए आपका वेबकास्टिंग से बना भी है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग वेबकास्टिंग का ही सहारा लेते हैं। अगर जैसे उदाहरण के लिए आती है कि मशीन खराब हो गई, तो इससे पता चल जाता है कि मशीन इस समय बदल गई है, काम चल रहा है कि अभी काम रुका हुआ है। दूसरा, कुछ जगह आया कि साहब रोशनी कम है, तो यहाँ पता लग जाता है कि रोशनी वास्तव में कम है या शिकायत थोड़ा बढ़ा चढ़ा के की गई है। तो सभी जो शिकायतें पोलिंग स्टेशन को देख के जिनका बारे में पता लग सकता है, उसमें वेबकास्टिंग हमारी सहायता करती है। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर की शिकायतें होती है, उसमें हम फील्ड के अधिकारियों से फिर रिपोर्ट लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ था नवदीप रिणवा, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। अगर कहीं से कुछ शिकायतें आई भी हैं तो उसका तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।